गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी, पार्ट 3 जो आज हम पढ़ेंगे वो है पार्ट 3। पार्ट का नाम है हेस्टी। तो ये एक कहानी है, इस कहानी को लिखा है परेश्वर नाथ रेणु जी ने। तो आप याद रखेंगे, आप आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। क्या नाम है पार्ट का? हेस्ट, जिसकी विधा है। यदि पूछा जाता है आपसे कि पार्ट 3 की विधा कौन सी है, तो आप बताएंगे कि पार्ट 3 की जो विधा है वो है कहानी, जिसकी कहानी का है। यदि कोई कहानी में व्यक्ति लिखता है तो हम उसे कहानी का कहते हैं। जिस तरह से यदि कविता लिखी जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसे कवि कहते हैं। कविता लिखने वाले को, ठीक, लेख लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, ठीक। उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार कहानी लिखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कहानीकार कहते हैं। तो ये जो कहानी है, सबसे पहले हम बता दें कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, मतलब तो जिस पर ये आधारित कहानी है, उसका नाम सज्जन है, ठीक। तो वो एक आलसी व्यक्ति, ऐसा माना जा रहा है, इस कहानी में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही आलसी व्यक्ति है और मूढ़ है, मतलब वो तो अपने मन से काम करता है। यदि उसको अच्छा लग रहा है तो वो काम पूरा कर देगा, एक ही दिन में। यदि उसको नहीं करना है तो कोई भी व्यक्ति उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। तो इस कहानी को भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कहानी में जो कहानीकार है, जो लेखक है, तो उनके जीवन परिचय के बारे में कि परेश्वरनाथ रेणु कौन है, उन्होंने कौन कौन सी और भी कहानियां लिखी, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि परेश्वरनाथ रेणु, या आपने बोले किसी कवि के बारे में लिए, किसी लेखक के बारे में लिए, तो यहाँ पर जो कहानीकार परेश्वरनाथ रेणु जी, इनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम कहानी के बारे में जानेंगे और हम उसकी एक्सरसाइज और प्रश्न तत्व हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कहानी के जो लेखक है, जो कहानीकार है, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो यदि हम बात करें परेश्वरनाथ जी के जन्म की, तो इनका जो जन्म है, जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गाँव में 4/8/1921, ठीक। तो इनकी जन्म तारीख है, जन्म का सन है, वो है 4/8/1921 को जो है वो इनका जन्म माना जाता है। बिहार के पूर्णिया नामक गांव में इनका जन्म माना जाता है। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, ठीक। इन्होंने उच्च शिक्षा में, यानी जब कॉलेज में एडमिशन इन्होंने लिया, तो उस समय स्वदेश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय महात्मा गांधी ने सभी से कहा कि मुझे आप सभी की जरूरत है, आप सभी की आवश्यकता है, ताकि मैं अपने इस देश को, भारत देश को आजाद करा सकूं। तो उस समय परेश्वरनाथ जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या किया था, देश की स्वतंत्रता को, देश को स्वतंत्र कराने में क्या किया था, अपना सहयोग प्रदान किया था। उन्होंने शिक्षा से पढ़कर स्वतंत्रता को माना था। आगे देखते हैं, सन 1952 ईस्वी में
जल्दी जाए।
जिस बेटी घर पर काम करने जाता है, उसका विवाह है, वहां कुछ महिला उसको कुछ ऐसा बोल देती है जिससे उसको ठेस लग जाती है। बेटी जब भी जिस बेटी की विदाई के लिए वो सुंदर पार्टी बना रहा है, उसकी आत्मीयता उसे छू जाती है, वह किसी प्रलोभन में नहीं फंसता, वह जिसका काम करता है उसके सहेज सहज और आत्मीय व्यवहार का भी आगे ही रहता है। ऐसा व्यवहार नहीं होता तब वह उस काम को भी छोड़कर चला जाता है। यदि उसे उचित व्यवहार घर से नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उस काम को छोड़कर वहां से चला जाता है। उसको अपनी मजदूरी की चिंता नहीं होती, फिर उसको अपनी भोजन की चिंता नहीं होती, उसको केवल क्या चाहिए, मान और सम्मान। आगे कहानी में सिरजित का चरित्र ग्रामीण कलाकार के आत्मभाव को प्रकट करता है। लेखक ने गांव में इस तरह के कलाओं के लोगों पर भी चिंता व्यक्त की है। लेखक आज बता रहे हैं कि जो गांव है वहां पर इस तरह की जो हस्तकला होती थी, पहले हाथ से काम करते थे, हाथ से बनाते थे चीजों को, आजकल हर चीज के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, खुद भी कुछ बनाने के लिए जाते हैं, कौन बनाए टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ God।